जी नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सूफी स्टार अमित सिंह। अमित जी आइए, इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका रबजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रबजी न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे रवि जी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करते हैं और बहुत स्वीट हंसते हुए बात करते हैं और अच्छे चीज़ों को पूछते हैं जो कि ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी हमारे रबजी न्यूज को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट, क्योंकि सही चीज़ों को दिखाते हैं और आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे क्या ज़रूरी है, आगे क्या करना चाहिए। जैसा कि सर मेरा पहला सवाल हर किसी से यही रहता है कि पहले तो आप अगर गाते हैं तो गाकर मुझे एक लाइन कुछ अच्छा से बेहतरीन सुनाइए जो कि मेरे दिल को सुकून देता हो। बिल्कुल प्यारा सा एक गाना सुनाता हूँ। नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, दिल नहीं लगना वे, नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साजा सरे सानू इक पल चैन ना आवे, सानू इक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सोनिया तेरे बिना। जैसा कि सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपकी कलाकारी की शुरुआत कहाँ से हुई है? हाँ, बचपन से ही शौक़ था लेकिन इसको मैंने अमल किया पंजाब में जाके, और 26 मार्च 2012 से मैं हारमोनियम पकड़ा हूँ। बचपन से ही चाहत थी लेकिन बाहर पंजाब भी जाना हुआ, इसलिए कि म्यूज़िक सीखने की चाह थी बचपन से दिल में, और हमारे बिहार और यूपी में या फिर किसी भी मिडिल फैमिली में इस फील्ड को सिक्योर नहीं समझा जाता है। तो एक चैलेंज रखा गया मेरे सामने कि अगर 90+ लाते हो मार्क्स तो तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। जी, तो बाहर मुझे बस इसलिए जाना था कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं, और 92% लाया, 92% CGPA CBSE से लाया, पंजाब गया। 26 मार्च 2012 को मैं चौहान म्यूज़िक एकेडमी, जो कि चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से एफिलिएटेड है, हमारे गुरुजी शांतिलाल चौहान, राजकुमारी चौहान मैडम, उनसे मैं सीखा, उन्होंने जो संस्कार दिया और सर, वहाँ से सर मैं इस जगह पे ऑब्जेक्ट करना चाहूँगा और आपको रोकना चाहूँगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये आपको एक खबर कब लगी जबकि चौहान एकेडमी में ही आपको एडमिशन लेनी है, और आपकी उसकी पता कैसे चली? जब मैं पंजाब गया तो पंजाब इसलिए ही गया कि म्यूज़िक सीखना था। इंजीनियरिंग में भले एडमिशन ले लिया था, सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा करने गया था वहाँ से, लेकिन ढूंढ रहा था मैं। 16 अगस्त 2011 को मैं चला गया था पंजाब, और उस दिन के बाद मैं ढूंढते 26 मार्च 2012 को मैं ज्वाइन किया था एकेडमी। ढूंढना पड़ा था थोड़ा। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहे कि आए दिन अभी भोजपुरी में विवादें चल रही है और आप भोजपुरी भी गाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये विवादें किस हद तक जाएंगी और कि इस पर क्यों नहीं रोक, क्यों नहीं लगाई जा रही है? विवाद का सिर्फ एक ही मतलब है, जो विवाद कर रहे हैं उनका फ़ायदा, वो अपने TRP के लिए विवाद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके सामने रो के लाइव आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भैया देखिए हमको वो कर रहा है, भैया तुम ये कर रहा है, हमारा जिसको मैं हायर अथॉरिटी मानता हूँ, जिसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, जिससे हमारा बिहार रिप्रेजेंट होता है, जिसको ये बोला जाता है कि बिहार का शान है, वो फेसबुक पे आए दिन रोता नज़र आता है, हर 5 दिन 4 दिन पे वो लड़ता नज़र आता, जिसे कुत्ता लड़ता है ना वैसे लड़ते हैं। तो उन लोग का तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लड़ रहे हैं, आपसे बस सहयोग मानते हैं, आपका सिंपैथी लेते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने आपके फ़ायदे के लिए किए होते ना तो साफ़ सुथरा गाना गाते और उसमें थोड़ा कम पैसा मिलता और थोड़ा कम प्रॉपर्टी बना पाते। अश्लील गाना गा के आपको गलत संदेश देते हैं, आपके बच्चों को भड़काते हैं और उसके एवज में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, प्लॉट पे प्लॉट खरीद रहे हैं, मॉल के मॉल बना रहे हैं, आपके आपसे पैसा लेके मॉल बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपके उसके एवज में आपको गंदा चीज़ परोस रहे हैं। लात मारिए ऐसे स्टार को और ऐसे स्टार को बताइए कि तुम जो कर रहे हो ना तुम अपने लिए कर रहे हो। और लोग आजकल तो हमारे जो जूनियर सिंगर हैं उनके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, आपको फर्स्ट स्टेप कहाँ मिला था? शुरुआत हमारी माई फ्रेंड गणेशा से, जबकि मैं फैमिली को बताया था कि मैं म्यूज़िक सीखता हूँ, तो माई फ्रेंड गणेशा एक कॉम्पिटिशन हुआ था 2013 में पंजाब में, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं फर्स्ट हुआ था पूरे पंजाब लेवल पे। जी, वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई है।
जैसा कि मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आपने शुरुआत करा था उस दौर से लेकर अभी तक का दौर आपको कैसा लगता है? ये जर्नी ही बहुत कठिन है और कलाकारों का जो लाइफ होता है बहुत स्ट्रगलर होता है। कलाकार जो जीते हैं दूसरे के लिए, हमारे पास आज गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन रात में अगर चाहेंगे कि चैन से सो सकें, लेकिन सोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका सेवा जो करना है, हाजिरी जो लगानी है ईश्वर के चरणों में, और आप हैं हमारे ईश्वर, माता पिता हैं हमारे ईश्वर, हमारे गुरुजन हैं हमारे ईश्वर, और आपका सराहना मेरे लिए एनर्जी है। और क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सोना नहीं है तो क्या हुआ, सोना है ना, तो आशीर्वाद है आपका बस। जैसा कि मेरा सर आपसे अगला सवाल ये रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन लोग लालछन लगाते आ रहे हैं कि यहाँ पे शोषण की जाती है कलाकारों की, क्या ये सच है या झूठ है? जो भी जातिवाद कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं सर मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, शोषण की बात कर रहा हूँ कि हाँ। बहुत लोग ऐसे लालछन लगा रखे कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में शोषण की जाती है। बिल्कुल, तो क्या आप ये बता सकते हैं ये कितनी हद तक सच्चाई सही है या नहीं? देखिए, शोषण तो हो ही रहा है वैसे अच्छे कलाकारों का जो कि बेचारे पिस रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकार शोषण करने के लिए खुद को परोसते भी हैं, खुद को जल्दी से स्टार बनने के लिए, एक दिन में सुपरस्टार बनने के लिए खुद को परोसते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। खुद शोषण करवा रहे हैं कुछ लोग और कुछ शोषण हो रहे हैं, तो 90% लोग शोषण करवा ही रहे हैं, 10% लोग हैं बेचारे जो शोषण हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वैसे लोगों को बचाएं आप। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि आए दिन भोजपुरी में नकल करने की प्रथा आ रही है, तो क्या ये कब बंद होगी या कब कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे या नहीं? नकल तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नकल आप उस आदमी का कर रहे हैं जो कि आदमी जीवित है, उसके मरने के बाद ही लोग आपको सुनेंगे, और जब तक वो मरेगा तब तक आपका पता चला कैरियर ख़त्म हो गया। नकल मत करिए, अपना गाइए, 10 व्यू मिलेगा आपका अपना होगा प्लीज़। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, आए दिन भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या 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 करनी चाहिए? बस कुछ नहीं, जो हमारे जनता जनार्दन जो अभी देख रहे हैं रबजी लाइव को, वो क्या करें, अच्छाई को स्वीकारना शुरू कर दें और बुराई को लात मारना शुरू कर दें, सब अश्लील ख़त्म हो जाएगा भोजपुरी से। और अश्लील गाने बारात में बजते, बहुत सारे एग्जांपल लोग देता है, जो एडवांस है फैमिली जो मना करते हैं कि अश्लील नहीं होना चाहिए वही डांस करते हैं, वो घर के बाहर ही डांस करते हैं, वो कान में चीज़ शब्द को नहीं सुनते हैं, बस डांस करने तक ही गाने को रखते हैं, उसके बाद फैमिली में बजा के नहीं सुनते हैं अश्लील गानों को। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, भोजपुरी में आए दिन अभी नंबर 1 के लेकर बहुत सारी विवादें चल रही, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके नज़र में भोजपुरी नंबर 1 कौन है? भोजपुरी में नंबर 1 कोई नहीं है, मैं जो नंबर 1 अपने आप को समझता है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नंबर 1 होने से पहले भोजपुरी को नंबर 1 बना दीजिए, भोजपुरी को नंबर 1 बना दीजिए, जैसे कि साउथ नंबर 1 अपने आप को बना दिया कि आज बॉलीवुड भी कॉपी कर रहा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आप नंबर 1 बना दीजिए कि हमारा सारा कलाकार, हमारी जो संगीत है, हमारी जो विधा है, वो खुद ब खुद नंबर 1 हो जाएगा। सर जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अक्षरा सिंह जी के साथ काम किया है और आपने बहुत सारे स्टेज उनके साथ साझा कर रखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अक्षरा सिंह जी ने ही बोला था डिबेट में कि नहीं, ये भोजपुरी में अगर कोई सुपरस्टार कलाकार और बेस्ट सिंगर है तो खेसारी लाल यादव जी, जबकि वो पवन सिंह के माला जपती थे और आज उनका नाम लेना भूल गए, ऐसा क्यों? देखिए, मैं किसी का नाम तो पहले नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग हमारे लिए सीनियर आर्टिस्ट हैं और सीनियर होने के नाते मैं पहले तो रिस्पेक्ट करूँगा। अब रही बात उनकी क्या राय है उनके लिए, आजकल लोग आपकी नज़र में भोजपुरी में बेस्ट सिंगर कौन है? हमारे नज़र में सभी बेस्ट हैं, क्योंकि सभी को दर्शक हमारे स्वीकार रहे हैं, और दर्शक स्वीकार रहे हैं मतलब अच्छा कर रहे हैं तभी, और जो दर्शक के नज़र में अच्छा है, जिसको हमारे ईश्वर, जिसको मैं दिल से मानता हूँ कि हमारे भगवान है, वही स्वीकार रहे हैं, तो हमारा क्या औकात है कि मैं बोलूँ कि कौन बुरा कौन अच्छा, सभी अच्छे हैं। सर जैसा कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारे भरत शर्मा जी भोजपुरी इंडस्ट्री को, सॉरी भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो कि भोजपुरी को अश्लीलता की ओर और नरक की ओर ढकेले जा रहे हैं, तो आपकी क्या सहमति रहेगी उनके साथ में? तो मैं जो भी कलाकार हमारे आदरणीय 8वीं सूची को मतलब भोजपुरी को शामिल कराना चाह रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या फिर अच्छाई को परोस रहे हैं, उनका तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और जो अश्लीलता की तरफ लेके जा रहे हैं उनको मैं लात से स्वागत करना चाहता हूँ, और आए दिन वो लात खाते ही रहते हैं, तो उनका तो जनता खुद ही स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय लोग जो कि हमारे भोजपुरी को पहचान दिलाना चाहते हैं, चरण स्पर्श करता हूँ उनको, और प्लीज़ आप मेहनत करिए, हम आपका नाम ख़राब नहीं होने देंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका अपकमिंग्स क्या है?
और हमारे चैनल पे अमित सिंह एमी, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, पेज है, इंस्टाग्राम है, उसमें बहुत एक प्यारा गाना रक्षाबंधन आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और आने वाले टाइम में एक बहुत प्यारा निशा उपाध्याय जी के साथ मैं गाना गाया हूँ, एक गणपति जी का, वो अभी रिलीज़ हो रहा है। आए दिन बहुत सारे चैनल पर रिलीज होते रहते हैं, तो अमित सिंह एमी स्टेज शो या फिर अमित सिंह एमी न्यू सॉन्ग करके आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे सभी अपडेट्स को पा सकते हैं आप। मैं अमित सिंह एमी जी से जानना चाहूँगा, क्या अमित सिंह एमी जी इन फ्यूचर सुपरस्टार की नज़र में दिखने को आएंगे या नहीं? सुपरस्टार तो ईश्वर हमारे जनता जो बनाते हैं, जो देख रहे हैं वो बनाते हैं, उनका हक है, वो उनके हाथ में है, किनको अर्श पे करेंगे, किनको फर्श पे पहुँचाएंगे। मैं अमित सिंह एमी जी से जानना चाहूँगा, क्या अमित सिंह एमी जी सिर्फ सिंगिंग ही करेंगे या फिर एक्टिंग भी करेंगे और एक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे? बिल्कुल, मैं 6 साल से थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टिंग के फील्ड में सुपर मॉडल भी रहा हूँ, तो एक्टिंग भी करूँगा और अगर चांस मिलेंगे तो ज़रूर करूँगा। और आने वाले टाइम में अगर बिहार के लिए कहते हैं कि एक समाज सेवा नाम का चीज़ आज ख़त्म हो गया है, समाज सेवक नहीं हो सकते हैं, उसको नेता कहते हैं, तो जिस समाज सेवक को नेता आप कह रहे हैं, तो मैं समाज सेवक के रूप में नेता भी बनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बिहार में एक अच्छाई की ज़रूरत है और कोशिश करूंगा कि किसी भी किस स्थिति में डगमगाऊँ नहीं, सही चीज़ को प्रस्तुत करूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला मैं नेता भी बनूँगा, तो क्या नेता बनकर आप घोटाले करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, हर नेता घोटाला नहीं करते हैं, लेकिन 99% लोग करते ही करते हैं, तो जो 1% लोग हैं उसमें से मैं रहूँगा। चलिए, आपसे बात करके बेहद ही अच्छा लगा। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूँ, ये थे हमारे सूफी स्टार अमित सिंह एमी जी, और इनसे मिले हम लोग और इनके बारे में जाने। अभी लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।